वेलकम अपने जैसी इकलौती राखी सावंत। हाय राखी, जज्बात पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको पहले बता देता हूं कि आज इस शो पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी, कोई स्कैंडल नहीं होगा, ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो आज हेडलाइंस बनेंगी, क्योंकि मैं आज राखी सावंत से बात ही नहीं करूंगा। क्यों? आज मैं बात करूंगा एक ऐसे शख्स से जो राखी सावंत नहीं है, इसीलिए मुझे ये शो दोबारा शुरू करना पड़ेगा। सो वेलकम टू जज्बात पावर्ड बाय लक्स। आज मेरे सामने एक ऐसी शख्स बैठी है जिन्हें कोई नहीं जानता, लेकिन शायद इस शो के बाद में आप सब जानने लगेंगे। प्लीज वेलकम नीरू भेड़ा। Oh my God. राखी, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि कभी आप नीरू भेड़ा थी? मैंने कहा था ना कि मैं शो पर राखी सावंत से बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा जो राखी सावंत के पीछे। My God. वो मैं ही हूँ। किस वातावरण में, किस माहौल में आपकी परवरिश हुई? My God. हाथ कांपते हैं मेरे राजीव, सच्चाई बताना दिल गवारा नहीं करता। जिंदगी में बहुत ही गरीबी में से, मैं इतनी गरीबी में से कि मेरी माँ खाना, जब मैं मेरी माँ के पेट में थी तो माँ मेरी खाना ईंट पत्थरों पे बनाती थी। इतने गरीब परिवार से, और मुश्किल से मुझे, ओ गॉड, आई कांट से दैट। माँ कहती है कि जब तुम छोटे थे हमारे पास खाना नहीं था, कहते हैं कि पड़ोसी लोग खाना फेंक देते थे, उसमें से तुम लोग उठा के खाना खाते थे। माँ मेरी हॉस्पिटल में आया थी, आया जो पेशेंट होते उनके लेटरिन साफ करना, ये सारी चीजें, मुश्किल से खाना मिलता था। जब मैं धीरे धीरे बड़ी होती गई, माँ को कहती थी स्कूल जाना है, माँ हाँ जाएंगे, कैसे मुझे राजीव अच्छा नहीं लगता, मुझे अपने यू नो हिस्ट्री बताना। नीरू, आपको आइडिया नहीं है कि आप आज इतनी टिकी हैं, शायद इसलिए क्योंकि आपने इतना कुछ देखा अपनी जिंदगी में। आज आप इतनी मजबूत हैं इसलिए क्योंकि शायद आपने वो सब जिया है। और मैं हमेशा से सोचता रहा, मैं जब जब आपसे मिला हूं, मैं हमेशा सोचता रहा कि ये राखी का एक्सटीरियर है,
इसके पीछे एक इंटीरियर होगा जिसके बारे में कोई नहीं जानता, और राखी भी नहीं बताना चाहती कि मैं ऐसी ही हूँ, तुम लोग सोच लो मेरे बारे में जो तुम्हें सोचना है। और मैं वही जानना चाहता हूँ, कुछ जो यादें आपकी हैं, नीरू की यादें, नीरू के क्या सपने थे, नीरू क्या बनना चाहती थी? बचपन से ही मैं एक्टिंग, मुझ में वो कहते हैं ना कि डांस करना बहुत शौक था बचपन से ही, लेकिन हमारे घर में अलाउड ही नहीं था। मेरे खानदान में अगर मैंने नाचा भी, थोड़ा भी नाच लिया, अगर मामा को पता चल गया, वो आके अपना हाथ साफ करते थे मुझ पर। मामा मुझे बहुत पिटते थे, क्योंकि हमारे खानदान में ये नहीं देखते कि खाना है कि नहीं, लड़की को नाचना नहीं चाहिए। मैंने इतनी मार खाई अपनी जिंदगी में, मेरी पूरी बॉडी पे स्टिचेस है, मैंने इतनी मार खाई है कोई आगे बढ़ने के लिए। तो ऐसे ऐसी परिस्थितियों में मैंने बड़ी हुई हूं। मेरी मॉम आया थी और मेरे डैड कांस्टेबल थे मुंबई पुलिस में, और मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया, ही वॉज अ कांस्टेबल। तो क्या हुआ, जिस एक्ट्रेस के, एक्टर के माँ बाप गरीब होते, क्या उसे अधिकार नहीं है एक्टर बनने का? मैं अपनी मेहनत से आई हूं, मेरे कोई गॉडफादर नहीं था, तो मैं इंडस्ट्री में कैसे आऊं, मैं क्या करूं, एजुकेशन नहीं। अच्छा, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि बहुत ज्यादा खूबसूरत हूं मैं, ओके, तो कैसे आना है और क्या कंट्रोवर्सी, या मैं ये बोलूंगी तो कंट्रोवर्शियल बन जाऊंगी, या मैं ये ऐसा डांस करूंगी तो ये हो जाएगा, मुझे उतनी अक्ल नहीं थी। जब मैं इंडस्ट्री में आई, मैंने देखा कि जैसा मैं बढ़ती जा रही हूं, मेरे पेरेंट्स का तो बस यही था कि बच्चे, लड़कियां बड़ी हो शादी कर दो। मैंने कहा मुझे नहीं शादी वादी करनी, मुझे कुछ करना है लाइफ में। मैं घर से भाग गई थी। नीरू से आप राखी बनी, नीरू को राखी बनाने के लिए नीरू को क्या क्या करना पड़ा? जब मैं घर से भाग के आई फिल्म इंडस्ट्री में, हमारे खानदान में कभी एक्टिंग नाम की क्या चीजें मालूम नहीं, या जब छोटे होते तो आपको पता भी नहीं होता फोटोशूट क्या है, मालूम नहीं कैसे पोज मारना है, ऐसे ये सब कुछ पता ही नहीं था, अक्ल ही नहीं थी बिल्कुल। इंडस्ट्री में आए कि काम करना है, क्योंकि मुझ में वो चीजें हैं। इंडस्ट्री में आई मैं, कुछ मालूम नहीं, ऑडिशन जाती थी, मुझे ले लो ना सर, मैं एक्टिंग करूंगी, झूठ बोलती थी, एक्टिंग तो आती ही नहीं थी। फिर मैं सोचू मैं घर से क्यों भागी, दो तीन लड़कियां रेंट पे रहती थी, वहां पे रही और जो भी मम्मी के पैसे चोरी करके भागी थी, मम्मी डैडी के। हीरोइन बनने का बड़ा चस्का था मुझे, हीरोइन बनने का, आइटम गर्ल हो तो जबान पे मालूम ही नहीं क्या है, कैरेक्टर आर्टिस्ट क्या है मालूम ही नहीं, सर हीरोइन बनना है। और आप नीरू से राखी सावंत बन गई? नहीं, अभी तक नहीं बनी, अभी तक तो पहाड़ चढ़ना बाकी था खतरनाक मेरी जिंदगी में। मेरे मम्मी डैडी को तो डाइजेस्ट नहीं हो रहा था कि अब हमारी लड़की आउटलाइन में गई है, तो डैडी भी बहुत गुस्सा थे, डैडी ने मेरे से रिश्ता तोड़ दिया। फिर इंडस्ट्री में गई, डायरेक्टर प्रोड्यूसर से मिली, कभी कभी मैं आज बहुत सच कहना चाहती हूँ, क्या मुझे इजाजत है? बिल्कुल मैम, चाहते हैं कि आप बिल्कुल सच बोलें। कोई लड़की नहीं कहना चाहेगी ऐसी बातें, और मेरे पे जो हुआ है वो मैं भी नहीं बताना चाहती हूँ, लेकिन आज आपने कहा है कि नीरू से राखी की स्टोरी, मैं प्रोड्यूसरों के ऐसे जाती थी फोटो लेकर, वो फोटो तो ले लेते थे, लेकिन मैं बच्ची थी, वो अंदर से रूम लॉक मार देते थे, पता नहीं ये सब बोलना अलाउड है या नहीं, मुझे कुछ ही नहीं पता, मैं कैसे अपनी जान बचाकर भागती थी। एक इनोसेंट बच्ची,
अगला सवाल यही था कि जब आप आई होंगी तो बहुत से लोगों ने एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की होगी। बच्ची जब आप रहती है तो आपका शरीर भी नहीं होता है, यू नो? कुछ लोग गंदे प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, क्या बनोगे? शो मी यू हैव और नॉट। ओके दिखाओ। तो मैं शुरू हो जाती थी डांस करना, अब मुझे नहीं पता वो ये कुछ और दिखाने के लिए कह रहे। तो उन्होंने बोला अरे हाँ ये तो बस बहुत हो गया, ये तो बहुत देखते हैं, वो दिखाओ जो हम देखना चाहते हैं। एक्सप्लॉइट किया मुझे, मैं मना नहीं कर रही। फिर नहीं, दुनिया के सामने सर बता नहीं सकती ये सारी चीज, आप समझते हैं। मुझे याद है मैंने एक बड़ा ही पॉपुलर आपका एक गाना देखा था, मोहब्बत है मिर्ची, मिर्ची। और वाकई उसकी भी स्टोरी है सर। राजेश सर बोलता है इतना रिजेक्शन हुआ होगा 100-150 से भी ज्यादा मेरा। मैंने बोला मैं हीरोइन बन क्यों नहीं रही हूं, मुझ में क्या कमी है? एक दिन पूरे कपड़े निकाल के मैं आईने के सामने खड़ी हुई, आई एम सॉरी, आई एम टेलिंग यू, क्या कमी है मुझ में गॉड? मैंने कहा यू आर परफेक्ट, मुझे ऐसा लगा। फिर बाद में मुझे बोला कि आप एक शर्त पे, आपको कुछ है ही नहीं, ना शक्ल में दम ना बॉडी में दम। सर ऐसे शर्ट पकड़ते थे, टी शर्ट पकड़ते थे, ऐसे ऐसे करते थे, कुछ नहीं है तुम्हारे में, तुम क्या हीरोइन बनोगी, कुछ नहीं है। तब मुझे पता चला, मैंने कहा सर क्या आप मुझे 2 महीने दे सकते हैं? 2 महीने में तुम कौन सा क्या कर लोगी, कौन सा झंडे उखाड़ लोगी? दिए दिए जाओ। मैं अक्कल आई थी, सब पता चला सर्जरीज के बारे में, मैं सीधा जाके हॉस्पिटल में लेट गई। मैंने डॉक्टर से कहा डॉक्टर आप मुझे चेंज कर सकते हैं, मेरा नाक का ऑपरेशन कर सकते हैं, मेरा कर सकते हैं, क्या मुझे हीरोइन जैसी बना सकते हैं? छोटी सी उम्र में मैंने ऐसा ऐसा सब, यू नो। आपने सर्जरी तब करवाई थी, आज से 15 साल पहले? मैंने 12 साल पहले, मेरा परदेसिया वीडियो आया, अगर आपने देखे तो पूरा एकदम लगती हूँ ना हीरोइन, क्या ग्लैमरस लगती हूँ मैं, पटाका। फिर मैंने कहा चलो नीरू का जाने का समय हो गया और राखी के आने का समय हो गया, फिर मैं नीरू से राखी बनी। फिर मोहब्बत है मिर्ची, मोहब्बत है, अगर आप देखो मुझ में क्या तड़का, क्या मिर्ची, वो ऐसी मिर्ची मुझ में लगी कि वो आज तक नहीं गई। फिर परदेसिया किया, मोहब्बत है मिर्ची किया, मैं हूं नामे चांस मिला मुझे, शाहरुख खान, मतलब आज मैं इंडस्ट्री में आई हूं तो मुझे शाहरुख खान ने लॉन्च किया। पर जब आप राखी सावंत बनी उसके बाद नीरू से राखी सावंत बनने का सफर आपका बहुत ही संघर्ष से भरा रहा। अब एक सवाल ये उठता है कि आगे आने वाली जिंदगी में क्या उद्देश्य सिर्फ चर्चित रहना है? चर्चित तो मैं मरते दम तक रहना चाहती हूँ, मेरा दम निकल जाए कैमरों के सामने, मेरे बॉलीवुड में ही मुझे रहना है। राखी ऐसी कोई चीज आपको लगता है कि यार ऐसी कोई चीज जो मैं रिग्रेट करती हूँ आज की, नहीं मुझे वो नहीं करना चाहिए था, मुझे ये नहीं करना चाहिए था? जब मैं पॉलिटिक्स में गई वो मुझे नहीं करना चाहिए था। क्यों आपके मन में ख्याल आया कि आप राजनीति में जाना चाहती हैं? ऑफ कोर्स ये लोगों ने चढ़ा दिया ना मुझे, इन्होंने गड्ढे में मुझे धक्का मार दिया। मैं बताऊं कैसे, अब मैं लोखंडवाला में रहती हूँ तो वहां के रास्ते बना दिए, कभी बीएमसी ऑफिस में घुस गई, कभी पुलिस स्टेशन में घुस गई, कभी यहाँ लोगों के काम करवाए, तो लोग कहते कि आप एरिया से खड़े हो जाओ, तो मैंने अपनी खुद की पार्टी बना दी, जितना पैसा कमाया था उतना गवा भी दिया उसमें। 17 वोट मिले थे मुझे मालूम है। नहीं 2500 2500 थे 2500 वोट 7 दिन की पार्टी में, 7 दिन हुए थे पार्टी को, और चुनाव चिन्ह हमें मिला, और मैं जाके वो पूरा एकदम नेता की तरह पूरा एकदम जी मुझे वोट दीजिए, मैं आपकी समस्याओं को ये सारी चीजें करूंगी। तो 7 दिन की पार्टी में अगर मुझे 2500 भी वोट मिलते हैं तो मुझे लगता है कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ, एक भी नोट खर्च किए बगैर इतने वोट मिले मुझे। तो लगता है आने वाले समय में कभी वो 2500 के आप 2.5 लाख नहीं, नो पॉलिटिक्स, नहीं मुझे कभी राजनीति में नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना।
ये मेरा एक रिग्रेट और गलत डिसीजन था। क्या आपको लगता है कि लोगों ने वोट इसलिए नहीं दिए आपको क्योंकि आपकी छवि एक है कि लोगों ने यार नौटंकी कर रही है ये? यू नो, हमारी टीम गई थी राखी जानने के लिए कि आम आदमी राखी के बारे में क्या सोचता है। राखी सावंत के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज में इंक्लूड है, इन्वॉल्व है। मैंने जब भी उनको देखा है, एक विवादों में घिरा हुआ देखा है, सिर्फ वो विवादों की रानी है। राखी सावंत बहुत बड़ी ड्रामा क्वीन है, उनके अटेंशन सीकिंग के लिए वो बहुत कुछ करती रहती है। उसका काम भी कुछ अच्छा नहीं है, खाली दिखावटी बन है उसमें बस। राखी सावंत एक अच्छे एक्टर है पर वो थोड़ी मुंहफट है। दूसरों की अच्छाई उससे देखी नहीं जाती है। इंस्टाग्राम पे भी वो ऐसे ऐसे फोटोज, ऐसे ऐसे वीडियोस डालती है कि जिससे लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। मेरा अब दिल करता है कि मैं एक चाकू लूं, अपना खून निकालूं और अपने दिल से भी खून निकालूं। मैं लोगों को पूछना चाहती हूँ, मेरा कसूर क्या है? क्यों आपने मुझे नौटंकी बोला? आप उन लोगों को वोट करते हैं जो जेल में जाके आए हैं, लोगों का मर्डर करके आए हैं, लाखों लोगों को मारते हैं और आप उनको वोट करते हैं? उन्होंने उनके उनकी नौटंकी नहीं दिखती। करेक्ट, आपकी बात बहुत सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने जो बात तो लोग मुझ पे विश्वास क्यों नहीं करेंगे? लेकिन वो जो ये वो 2500 लोगों ने विश्वास किया था। आई नो, मैं बिल्कुल आपके साथ में हूँ राखी। मैं इसलिए आपके साथ में हूँ क्योंकि ना तो आप किसी को हानि पहुंचाती हैं, ना ही आप किसी को चोट पहुंचाती हैं। लोग अपनी धारणा जरूर बना लेते हैं लेकिन वो उस शख्स को नहीं जानते जो उसके पीछे है। कि आपकी जिंदगी है, पूरा अधिकार आपके पास में है कि आप अपनी जिंदगी कैसे जिए। राखी, आपने एक बार मीडिया में एक बात कही थी, मैंने पढ़ी थी, सुर्खियों में थी, कि मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करती, अपनी माँ पे भी नहीं। ये ट्रस्ट क्यों नहीं करती आप किसी पर? ओह माय गॉड, मैंने आपने देखी मेरी जर्नी कैसी रही, मेरे साथ बहुत कुछ गलत भी हुआ। मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं करती, नहीं होता मुझसे ट्रस्ट। तो आपके दोस्त हैं? मेरे दोस्त हैं, मैं उनके साथ जीती हूँ, अच्छा लगता है मुझे हंसना खेलना कूदना बहुत अच्छा लगता है। और अभी इन दोनों आपकी एक दोस्त है जिनके साथ में बहुत सारे वीडियोस हम देख रहे हैं। अमेजिंग है वो, अमेजिंग। मिर्ची है, मिर्ची है, तो उस मिर्ची को बुलाएं। जल्दी बुलाओ। सो प्लीज वेलकम द न्यू एज कॉन्ट्रोवर्सी क्वीन अर्शी खान, प्लीज वेलकम। वेलकम टू जज्बात। सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं कोई कॉन्ट्रोवर्सी क्वीन नहीं हूँ। बैठिए राजीव, वो खिताब मुझ तक ही रहने दो। आई नो, बट मैं क्या करूं, जो मुझे बोलते हैं कि नहीं, ये एक नया राखी सावंत, नया राखी सावंत। ऐसा कुछ नहीं है, नहीं। तो अर्शी खान जी, कहां से आती हैं, कहां आपकी पैदाइश हुई, कैसा बचपन था? जी मेरा मैं मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मेरी फैमिली भोपाल में रहती है, तो बड़ी अच्छी फैमिली है और थोड़े से बुरखे वाले लोग हैं, थोड़े से नहीं बहुत ज़्यादा। लेकिन अपने माँ बाप की एक बेटी जिसको सब कुछ करने का बड़ा शौक, लेकिन अब्बा का कहना ये नहीं करोगी वो नहीं करोगी, ऐसे नहीं करना है वैसे नहीं करना है। लेकिन धीरे धीरे अब्बा भी समझ गए कि मेरी इकलौती बेटी है और करना चाहती है, तो उन्होंने भी कह दिया कर लो। तो कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा क्योंकि जब आप रियलिटी शो जो आपने किया था जी, जिसमें आप बहुत ज़्यादा चर्चित रही हैं जी, उससे पहले आपने कुछ वीडियोस बनाए थे जी। वो जब आप बना रही थी और कुछ शायद जो मैंने देखे थे शायद घर पे भी बनाए थे आपने, घर वालों ने वो वीडियोस देखे? घर वाले वीडियोस देख चुके हैं, मेरी अम्मा ने, अम्मी जान ने भी देखे, लेकिन उनको कहीं ना कहीं ये पता था कि इंडस्ट्री में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं और उन्होंने मूवीज भी बहुत देख कर रखी हैं जिसमें बहुत ऐसी चीजें रहती हैं, तो उनको कहीं ना कहीं लगता था कि चलो आगे बढ़ने के लिए शायद ये भी एक सीढ़ी होगी। तो आपके मन में क्या ख्याल था जब आप बना रही थी, आप क्योंकि आप रियलिटी शो में आने वाली भी थी? मतलब मैं फ्री रहती थी तो बड़ा मजा आता था मुझे कि चलो कुछ डांस कर देते हैं, कुछ डांस वीडियो कर देते हैं, वायरल कर देते हैं कि चलो अभी अर्शी ने ये डांस किया वो डांस किया। तो मतलब उस वक्त ऐसा दिमाग में नहीं रहता था कि कौन क्या सोचेगा, लेकिन जैसे बिग बॉस में एंटर किए तो वहाँ पर इतने सारे लोगों के साथ रहे जो इतने सीनियर हैं, सलमान साहब ने बहुत हिदायत दी कि ऐसा नहीं करना है वैसा नहीं करना है,
क्योंकि एक कंट्रोवर्शियल इंसान जो होता है, कंट्रोवर्सी वाला बंदा जो होता है, उसका ओहदा सिर्फ वहीं तक रह जाता है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो उससे आपको इमेज हटाना पड़ेगी। तो वो शो के अंदर हुआ और जब से मैं उस शो से निकली तो मैंने अपना जो एक कंट्रोवर्शियल जो इमेज थी उसको बिल्कुल हटाकर जो एक अर्शी खान जो बन सकती है वो दिखा रही हूँ। मैं कहीं आपको लगता है कि अगर मैं इसे सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन पूछूं, जी, क्या ब्रदर आखिरी रोल मॉडल है? नहीं। राखी, मैंने पहले भी ये चीज बोली है कि राखी सीनियर है। वो किसी भी इमेज के हों, कुछ भी हों, लेकिन हमारा फर्ज बनता है उनकी इज्जत करना, तो वही मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। और हम फ्रेंड्स हैं। राखी, एक बात मैं सोच रहा था अभी इसे बात करते करते मेरे जहन में आई कि राखी की डोली कभी नहीं उठेगी क्या? शादी कर लूंगी, 40 में 2-3 बच्चे हो जाएंगे मेरे। चलिए, राखी ने अपनी भविष्यवाणी दे दी है, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले कुछ सालों में मेरी बहन तो है ना यहाँ, ढूंढेगी मेरे लिए। राखी, आपने इतना कुछ देखा है, इतना कुछ आपने जाना है, इतने चीजों से आप गुजरी हैं, कोई ऐसी कोई चीज है जो आप इससे देना चाहती हैं, अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहती हैं अर्शी को कि अर्शी ये मत करना? मेरे ख्याल से अर्शी बहुत समझदार है। बस इतना कहती हूँ कि कितना भी शो आए हमेशा जमीन पर रहना, उड़ना मत। अर्शी, आप से अगर मैं पूछूं, आपके जहन में ऐसी कोई बात आती है जो आप कहना चाहती हैं राखी को कि राखी आप ये करें या ये ना करें? हाँ, मैंने जब इनसे मुलाकात हुई थी कि इनका थोड़ा सा इमेज थोड़ा अलग है, कि कुछ भी बोल देती हैं लेकिन उनके दिल में कुछ नहीं रहता, लेकिन बोल देती हैं तो वो चीजें लोगों की नजर में गलत आ जाती हैं। तो ये मेरी हिदायत है, तो मतलब कि अगर जो चीज गलत लग रही है तो उसको खत्म ना करो, लेकिन उसका तरीका बदल दो। राखी, आप बताओ मुझे, आपने शुरू किया था करियर, हम बात कर रहे थे उस गाने की, यू नो, मोहब्बत है मिर्ची, तब से लेकर आज काफी समय बीत गया है। मैं हुना से स्टार्ट किया था। जी, मैं हुना से स्टार्ट किया था। उसके बाद मोहब्बत है मिर्ची, परदेसिया, या मुझ जैसी लड़की को यशराज बैनर में एज ए रानी मुखर्जी के साथ सेकंड लीड मिल जाए, ओ बाप रे, आजकल आज जो लड़कियां आती है एक छोटा सा रियलिटी शो करके उड़ने लगती है। मैंने इतना काम किया है, आपके बाजू में एक ऐसी लड़की बैठी है। क्या बोलेगी, तो दोस्त है, इतना सा काम करती है, ओ माय गॉड, जूस ये वो, चाय से ज्यादा किटली गरम। मुझे बहुत मुश्किल हुई अपना नाम बनाने में, स्ट्रगल करके यहाँ पे एक के बाद एक आइटम सॉन्ग्स देना, एक के बाद एक फिल्में करना, यशराज बैनर से लेकर प्रियदर्शन से लेकर राकेश रोशन से लेकर शाहरुख से लेकर आमिर सलमान, ये वो ये, यहाँ तक पहुँचने में मुझे, और आखिर देखो अब तक पहुँच गई। मैं तो बहुत छोटी सी मछली हूँ। नहीं, मैं आपसे जो पूछ रहा था वही, आपने कहा कि इतनी मेहनत करके मैं यहाँ पहुँची हूँ, मैंने इतना सब कुछ किया, स्ट्रगल किया है। एक दुनिया का नियम है राखी, जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है एक बदलाव आता है, एक इनसिक्योरिटी आती है। राखी की इनसिक्योरिटी क्या है? औकात से ज्यादा गॉड ने दे दिया, औकात से ज्यादा जनता ने प्यार कर दिया, क्या इनसिक्योरिटी मुझे जरूरत क्या है राजीव? नहीं है कोई इनसिक्योरिटी, थोड़ा भी नहीं है। राखी, इतना सब कुछ बना लिया लेकिन आपको लगता नहीं कोई चाहिए साथ में एंजॉय करने वाला? लोग, लड़के उन लड़कियों को ज्यादा पसंद करते हैं, गर्ल नेक्स्ट डोर, सीधी सादी,
खाना पकाए, परोठे बनाए, वो तो सब आता है मुझे। मुझ में सारे मसाले हैं। एक लड़की में क्या चाहिए? हर रूप माँ का, हर हर रूप। पूरा इश्तेहार दे रही हैं आप अपने राखी के बारे में। मेरे में सारे रूप है, सब बता रही। मेरे में सारे रूप है। मैं शूटिंग पे हूँ अलग, घर में बहुत अलग हूँ। मेरी माँ से पूछ लीजिए। आपने लड़कों की बात की तो एक सवाल मेरे मन में आया कि क्या आपको लगता है कि ऐसे बहुत से लड़के होंगे जो आपको पसंद करते होंगे लेकिन शायद आपके साथ दिखना नहीं चाहते? नहीं, एक्चुअली क्या है ना, जो लड़के पसंद बहुत करते हैं, आज भी दिन में 4-5 तो आई लव यू बोलते ही है, लेकिन मुझे तो कोई पसंद आना चाहिए। कोई दिमाग में है? है, है कोई दिमाग में? है, प्रपोज भी हुआ है, मैं इंतजार में हूँ। अर्शी, डांस बचपन से करना चाहती थी या डांस सिर्फ हो गया? मुझे डांस कहाँ आता है, मुझे तो गाना मेरा जो फेवरेट अभी है रश के कमर है, बस उस पे मैं ऐसे ऐसे कर देती हूँ, पब्लिक हैरान हो जाती है, मुझे कोई फर्क, मुझे नहीं आता डांस। तो सोचिए जब आप पूरा डांस करेंगे तो क्या हाल होगा? सोचिए, आप सोचिए। अर्शी, आप 2 साल में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए जी। 10 साल के बाद अगर हम ऐसे पूछें, आप खुद को कहाँ देखती हैं? मैं हमेशा से मेरी एक ही दुआ रहती है, कामयाबी मिले लेकिन इज्जत के साथ मिले। तो चलिए एक काम करते हैं, एक छोटा सा गेम खेलते हैं। इसमें ऐसा होगा कि मैं राखी को ये क्यू कार्ड दूंगा, वो इसमें गाना है, वो परफॉर्म करेंगी। समझ लीजिए ये डांस शराड है जहां पर आप हुक स्टेप करेंगी और अर्शी को गैस करना है कि वो गाना कौन सा है। अच्छा, राखी आइए। तो पहला है, सुपर। सही है ना? शीला पहले तो झाड़ू। सही है। हाँ, मुझे बहुत पसंद है मूछें। हाँ, नारियल, नारियल पानी। I got it. राजीव बता दो आप। अच्छा, ओके, लुंगी डांस, लुंगी डांस। Hang on. Yes. मुझको तो थोड़ा राउंड घुमा के। याद नहीं आ रहा है ये वाला। दिखा दीजिए एक बार। मेरे सामने बैठी हैं राखी सावंत और अर्शी खान। और ब्रेक पे जाने से मैंने कहा था आपको कि हम जानेंगे कि क्यों अर्शी खान कहती हैं खुद को पाकिस्तान की जान, लेकिन वो जान के पहले एक और शब्द था, भाभी जान। क्यों कहती हैं अर्शी
अपने आप को पाकिस्तान की भाभी जान। मैंने कभी भी नहीं बोला कि मैं पाकिस्तान तुम्हारी भाभी जान हूँ। वो लोग खुद ही बोलते हैं कि आप हमारी भाभी जान है, तो हमने कहा ठीक है, अच्छी बात है। क्यों बोलते हैं आपको भाभी जान? देखिए अफरीदी साहब जो हैं, मोहम्मद शाहिद खान अफरीदी, तो 2 साल पहले कुछ ऐसे वाक्य हुए थे जिसमें मैंने बड़ा उनको सपोर्ट किया था और बहुत अच्छी चीज़ें थी, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ को एक कंट्रोवर्सी में कर दिया गया था कि नहीं ये तो बहुत कंट्रोवर्सी हो गई है कि अर्शी खान जो है वो शाहिद के साथ ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, अर्शी खान दुबई के अंदर थी शाहिद के साथ ऐसा वैसा, तो वो एक अलग जोन था। अर्शी, लेकिन आपने कहीं ये बात कही थी? यस, मैं वो मैं आपको बात बताती हूँ कि ऐसे ट्विटर पे वो मैंने ट्वीट नहीं किया था, पर आपके हैंडल से था। ये तो बड़ा आसान हो गया ना कि मेरे ट्विटर से मैंने ये ट्वीट कर दिया। लेकिन बाखुदा, पर क्या 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 था वो ट्वीट? राजीव, मुझे ये चीज पता नहीं थी कि वो इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगा। मतलब पर वो ट्वीट क्या था? वो था, यस आई हैड विद शाहिद अफरीदी। मुझे वो सिर्फ एक, सच बोलो तो वो एक मजाक में था। और आपने ये भी कहा था कि उस ट्वीट ने ये भी कहा था कि आप प्रेग्नेंट हैं उनके बच्चे के साथ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, वो मैंने बात क्लियर भी की थी। आप कभी मिली शाहिद से? शाहिद अफरीदी से? साहब देखिए, ये बात तो मैं बिल्कुल इस वक्त क्लियर नहीं करूंगी, लेकिन शाहिद साहब की मैं बहुत इज्जत करती हूँ क्योंकि उन्होंने मेरी लाइफ के अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी की हुई हैं कि आप कितने भी कामयाब हो जाएं तो मैं शायद उनका एहसान नहीं भूलूंगी। कुछ ऐसे काम किए हुए हैं उनके मेरी जिंदगी के अंदर कि वो काबिले तारीफ है और मैं हमेशा उनकी इज्जत करूँगी। राखी, कुछ कहना चाहेंगी आप? मैं तो खुद शौक हूँ ये सुनकर, मैं पहली बार ये सुना। ऐसे कैसे सुनता राखी, आपने नहीं सुना हो? सोशल मीडिया पे क्या होता है, कहाँ कौन सा ट्वीट जाता है उसकी तो खबर आपको। देखिए, और लोग मुझ पे इल्जाम लगाते कि मैं कंट्रोवर्सी करती हूँ। ये कंट्रोवर्सी नहीं था। ये बेबी बट यही के जो दिया था प्रेग्नेंट होना, लेकिन उस चीज को कंट्रोवर्सी बना देना तो वो तो मीडिया। पर जो भी मकसद रहा हो, मैंने अगेन कहा, जो भी मकसद था आपका, मकसद कामयाब हो गया हो, बस इतना ही मैं उम्मीद करता हूँ कि। चुप रहिए, ऐसा नहीं है। राखी, कभी आपने ऐसा कुछ बोला हो जहाँ पर रिग्रेट किया हो आपने कि नहीं यार मुझे वो नहीं लिखना चाहिए था या नहीं बोलना चाहिए था? ऐसी कुछ बातें हो सकती है मैंने बोली हो जो मुझे नहीं बोलना चाहिए। खोली ना पिटारा। जैसे सनी लियोनी के लिए मैं बता दूं कि मैंने बोला तो मैं, मुझे भी ऐसा लगा कि मैं कौन होती हूँ उसे जज करने वाली। मुझे सनी लियोनी के लिए कभी नहीं बोलना चाहिए, तो मुझे रिग्रेट होता है और मैं आज आपके सामने उसके उस मुझे कुछ शर्म भी नहीं कि मैं माफी मांगू। मैं माफी मांगती हूँ। हाय सनी, मतलब मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ। आई एम रियली सॉरी, फॉरगिव मी। लेकिन मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगी। एक बार जो कर दिया वो कर दिया, उसके लिए क्या माफी मांगना। चलिए, तो आप दोनों, मतलब यू नो, यहाँ से बैठकर देखो तो आप लोग बहुत खूबसूरत हैं। अर्शिया बहुत खूबसूरत लग रही हैं, राखी तो ऑफ कोर्स हमेशा से पूरी ग्लैमरस रही हैं। आज उल्टा है क्या लगता है? ये मुझे हमेशा साड़ी पहनाती, कहती तुम्हें साड़ी पहननी, तुम्हें साड़ी पहननी है। मैं राजीव ये सोचती हूँ क्या साड़ी पहनने से, राजीव 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 साड़ी पहनने से क्या मुझे सर्टिफिकेट दे दोगे कि मैं सती सावित्री हूँ? नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं, नहीं, मैं सती। पर एक बात ये भी उठती राखी की, साड़ी क्यों पहनूं मैं? मैंने डॉक्टर के पास क्यों गई थी? मैं इतना खर्चा क्यों किया था मैंने? हाँ, दिखेगा तो बिकेगा। अर्शी, आप कुछ कह रही थी नाइटी के बारे में? नाइटी, मैंने सोचा था कि मैं आपके सामने नाइटी पहन कर आऊं। क्यों ऐसा? अभी कभी आगे कभी मुलाकात हुई तो मैं जरूर आपके सामने नाइटी पहन कर। ये देखिए, ये बन गई सुर्खी, ये बन गई सुर्खी। तो आप दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है ना? जो ये कहती हैं आप जानती हैं, जो ये कहती हैं वो आप जानती हैं। एक दूसरे की आप वकालत भी करती हैं दुनिया के सामने,
अब मैं कुछ सवाल आप दोनों से इंडिविजुअली पूछूंगा। पहला सवाल, राखी वो क्या चीज है जो सिर्फ ऊपर जाती है नीचे नहीं आती? एक मिनट, ऊपर जाती है नीचे नहीं आती। आपकी, अर्शी की, मेरी, हम सबकी वो चीज ऊपर जा रही है, वो नीचे नहीं आती। मैं बताऊं? उम्र। बिल्कुल उम्र। अर्शी आपसे, वो क्या चीज है जो नीचे आती है पर ऊपर नहीं जाती है? राजीव आप ये क्या पूछ रहे हो, नीचे जाती है ऊपर से आती है क्या? वो क्या चीज है जो सिर्फ नीचे आती है पर ऊपर नहीं जाती? हाँ जी, पानी की बूंद, बारिश। वाव। अच्छा ये राखी ध्यान से सुनिएगा, 8 लोग एक घर को 20 दिन में बनाते हैं। 8 लोग, ठीक है, वही घर 16 लोग कितने दिनों में बनाएंगे? 8, 8, 40। राखी वो घर तो बन चुका है ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वो घर, वही घर, हाँ वही घर, तो फर्स्ट फ्लोर होगा ना, तो सेकंड फ्लोर लगा देंगे, थर्ड फ्लोर लगा देंगे। अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है। अगला सवाल अर्शी, एक आदमी बारिश में बिना रेनकोट बिना छतरी के जाता है पर उसके बाल भी गीले नहीं होते, क्यों? हो सकता है उसके बाल ही ना हो। अरे वाह, आप बड़ी इंटेलिजेंट है यार। चलिए ये तो मजाक था, मजाक मस्ती थी। चलो हंसा तो दिया, रुलाने से शुरू किया आपने। हाँ रोने से शुरू किया था हमने, कम से कम थोड़ा हंस तो लिए। एनीवे सारी बातें होंगी, इतनी सारी बातें होंगी, यू नो मैं सोचता हूँ कि हर इंसान के 2 रूप होते हैं, एक तो खासकर जब हम लोग पब्लिक फिगर्स हैं, हम लोग यू नो लाइमलाइट में रहते हैं। राखी मुझे लगता है कि बहुत कम लोग जानते हैं कि आप एक संस्था भी चलाती हैं। चलाती हैं? जी। किस तरह की संस्था? मैं हमेशा जो भी पैसे कमाती हूँ, हमेशा मुझे ऐसा लगता है मैं अपने लिए थोड़ा सा रखती हूँ, लेकिन जो गॉड का हिस्सा है, परसेंटेज है, वो गरीबों में या जो नीडी पीपल है उनमें मैं खर्च करती हूँ। तो राखी क्या चलाती हैं, किस तरह की संस्था चलाती हैं? आइए देखते हैं उसका एक छोटा सा नजारा। हाय, मैं हूँ राखी सावंत और आज मैं गोरेगांव वेस्ट में एक ऑर्फनेज में जा रही हूँ, जो मेरे बहुत ही प्यारे क्यूट से बच्चे, HIV पॉजिटिव बच्चे हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी गिफ्ट्स लेकर जा रही हूँ और उनके साथ डांस भी करूँगी, उनके साथ इंजॉय भी करूँगी, उनको खिलाऊंगी भी और बहुत मजा आने वाला है उनके साथ। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हेलो, क्या बात है, स्वर्ग का तो मुझे पता नहीं लेकिन लोगों के दिलों में जरूर आप जगह बना लेंगे, दैट्स सो ब्यूटीफुल। चलिए मुझे बहुत खुशी है कि मैंने आपका एक ये रूप भी देख लिया। अर्शी आपका भी एक रूप है क्या जो दुनिया ने नहीं देखा? क्या? नहीं नहीं। हाँ क्या ये सामने? क्यों? अर्शी रमादान कैसे मनाती है आइए देखते। जिसको तू चाहे हे नबी तू बुलाता। तो अब हो गई है हमारी नमाज, अब हम करते हैं अफ्तार की तैयारी। और मोस्टली मैं अफ्तार के अंदर फ्रूट्स खाना बहुत पसंद करती हूँ। मेरा जो सबसे ज्यादा फेवरेट चीज है रोजा अफ्तार के वक्त वो है शरबत। तो अफ्तार का वक्त हो चुका है और अब हम रोजा अफ्तार करेंगे। वैसे मैं ज़्यादा नहीं करती, ये मेरी फेवरेट चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे तीन खजूर से। आ,
मैं बहुत ही ज्यादा रमजान को एंजॉय करती हूँ, अभी से नहीं बचपन से बहुत ज्यादा, और ईद मेरा फेवरेट फेस्टिवल है तो उसकी तैयारियां तो मैंने ऑलरेडी कर ही ली हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को एडवांस में हैप्पी ईद कहूंगी। चलिए मेरी तरफ से ईद मुबारक हो आपको। थैंक यू सो मच। ओके, अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा जी, और आपको अपने अंदाज में, जो एक अर्शी का अंदाज है, बड़ा ही सेडक्टिव वाला अंदाज जो आपका है, उससे आप ये लाइनें कहेंगी। तो पहली लाइन है जी, सब्जी वाला फ्री में धनिया नहीं देता, हाँ। सिर्फ मिर्ची मिलती है। राजीव, सब्जी वाला फ्री में सिर्फ धनिया नहीं देता, सिर्फ मिर्ची मिलती है। राखी, ये रही आपकी लाइन्स। सुबह से बाई नहीं आई, मैं मेरी कमर काम करते करते टूट गई। ठीक, सुबह से बाई। राजीव, हाँ, देखो ना, सुबह से बाई नहीं आई और काम करते करते मेरी, जरा हाथों लगाओ ये कमर, देखो ना कितनी दुख रही है। आ यहाँ। कहाँ? यहाँ। राजीव, राजीव, यहाँ। हाय, बहुत दुख रही है, रात को आ जाना बाम लेकर और दबा देना। मेरे पति रात को इतने खराटे लेते हैं कि मैं सो ही नहीं पाती। राजीव, अरे बबुआ, हो गया। हाँ। क्या हमारे पति है ना, वो रात में ना मुआ इतने खराटे लेता है कि मेरी नींद पूरी नहीं होती। आप लोग एक्चुअल में किसी भी लाइन को बहुत ही सेक्सी बनाना जानती है। मैं सोचता हूँ कि जब आप एक्चुअल में किसी लड़के को, लड़के से बात करते होंगे तो उनका क्या हाल होता होगा। यू आर फैंटास्टिक, बोथ ऑफ यू आर फैंटास्टिक। तो खत्म करते हैं एपिसोड, बहुत बातें हो गई। बातें तो बहुत हो भी सकती हैं, अभी जब आप दोनों सामने बैठी हो तो बातें ही बातें हो सकती हैं, सिर्फ बातें हो सकती हैं ना। नहीं, और भी कुछ हो सकता है। नहीं, इससे पहले कि कुछ और हो, हम लेते हैं आपसे इजाजत, अपनी ऑडियंस से इजाजत। तो क्या समझ में आया आपको? मुझे ये समझ में आया कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, ये सिर्फ एक नजरिया है। जब तक किसी को कोई हानि ना पहुंचे, जब तक किसी को कोई चोट ना पहुंचे, आई थिंक सब बढ़िया। तो उम्मीद करता हूं कि आप भी अपनी जिंदगी में सब बढ़िया ही करेंगे। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत जल्द मैं एक और एपिसोड के साथ हाजिर हूंगा, एक बहुत ही जज्बाती एपिसोड के साथ फिर हाजिर हूंगा। तब तक के लिए गुड नाइट, शबा खैर। ये अब मैं अर्शी से पूछता हूँ। मेरा जवाब भी बहुत अलग रहते हैं, आपको पता नहीं है। मुझे मालूम है, मैं बाउंसर के लिए तैयार हूँ। हमारी लड़ाई देख के हमको शो मिल जाएगा। हाँ, लेकिन तुम लोग भी बहुत सीरियसली ले रहे हो, गेम है ये, मजे वाला क्वेश्चन। मैं तो सीरियसली नहीं ले रही। हाँ, ये नहीं ले रही है। राखी चढ़ाती है हर बार, ठीक है, पूरा पैर उठा लेके। ठीक है अर्शी, फोन रखिए। एक एक सेकंड, आई एम सो सॉरी। किसका मैसेज है? पाकिस्तान से। चलिए।